हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी पैटर्न की बुक। महर्षि विद्या मंदिर की बुक है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस वीडियो पे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक आपको पढ़ा चुका हूं, और क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 भी कम्प्लीट हो गई है। अगर आपने अभी तक सभी वीडियोज नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं सभी। चैनल पर अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -13। यानी आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें एक पेयर राइट करना है, इंटीजर्स का पेयर आपको राइट करना है जिसका सम है -13। तो क्वेश्चन देखिए, यहां पर ऐसे दिया गया है, सम इज -13 और हमसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं राइट डाउन ए पेयर, यानी हमें एक पेयर बनाना है सम, यानी सम का, सम मतलब प्लस करने, यानी दो आपको ऐसे नंबर यहां पे राइट करने हैं जिनका हम प्लस करके यानी सम करके -13 आंसर लाएंगे। और आपसे यही क्वेश्चन कह रहे हैं कि वो पेयर नंबर्स डिजिट कौन सी है। यहां पे बहुत देखिए इजिली है समझना, सिर्फ आपको ऐसे क्या करें, क्या नंबर राइट करें कि -13 है, और यहां पर कोई भी डिजिट आप राइट कर सकते हैं, सिर्फ सोल्यूशन आपको सही होना चाहिए। देखिए कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए -13 एंड +0 भी कर सकते हैं। मान लीजिए -13 में से अगर हम 0 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा, -13। अब देखिए यही आंसर नहीं हो सकता है, आपको सिर्फ इंटीजर राइट करने हैं और राइट करने पर आंसर -13 आपको आना चाहिए। तो जैसे ये नंबर देखिए ऐसे नोट कर सकते हैं, -8 ले लीजिए, -8 प्लस -5 इक्वल टू -13। कैसे, सोल्यूशन देख लीजिए, -8 प्लस -5 हो जाएगा इक्वल टू -13, और -8 -5 प्लस करेंगे तो -13 इक्वल टू -13 आंसर। तो यहां पे देखिए आंसर -13 प्लस 0 भी हो सकता है और आंसर आपका -8 प्लस -5 भी हो सकता है। आपको सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान देना है कि कैसे सोल्यूशन हम करें और कौन से डिजिट यहां पे लिखे, आंसर हमारा -13। तो दैट इज पेयर आपके हो गए -13 एंड 0, और अगर आप लिखना भी चाहे तो -8 एंड -5 भी नोट कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन 2A समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, सेकेंड बी, क्वेश्चन नंबर 2B। यहां पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस इज -12, यानी आपको ये बताने हैं, इसी तरह सेम आपको ऐसा पेयर आपको यहां पे राइट करना है कि डिफरेंस यानी उन दोनों को अगर माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं तो आंसर क्या हो हमारा -12। यहां भी कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको सोल्यूशन पे ध्यान देना है कि हम सोल्यूशन कैसे करें। जैसे आप नोट कर सकते हैं -12 और -0 नोट कर सकते हैं। अगर हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो -12 -0 इक्वल टू -12, जो कि सोल्यूशन है -12 इक्वल टू -12 आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारे क्या हो गए, डिफरेंस पेयर नंबर हो गए। अगर हम एक और एग्जांपल टाइप में कराना चाहें तो भी हम देखिए कर सकते हैं, -- इक्वल टू -12। यानी यहां पर कोई ऐसी टू डिजिट नोट करिए, टू नंबर नोट करिए, जिन्हें हम सोल्यूशन करने पर आंसर हमारा -12 आ जाए। तो देखिए यहां पर भी करना बहुत आपको इजिली हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं -20 एंड यहां पर हम नोट कर देते हैं -8। देखिए ये भी सोल्यूशन आपका अच्छा हो जाएगा, -20 -- प्लस करेंगे 8 इक्वल टू -12। और देखिए ये -20 है, +8 है, जब हम इसको माइनस करेंगे तो -12 इक्वल टू -12, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके आपके पेयर नंबर बनेंगे -20 एंड -8। तो यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ यही डिजिट नंबर नोट करनी है जो हमें आंसर से मैच करें, यहाँ पर आप अपने मन से भी अपनी तरफ से कोई भी डिजिट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सिंपल बस ये होना चाहिए कि उनका डिफरेंस जो हो वो आपका आंसर मैच होना चाहिए, दैट इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 2A समझ में आ गया होगा, 2B समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो उसमें लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2C भी देख लेते हैं, 2C भी पढ़ाते हैं आपको हम, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए, एक एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, अच्छे से पढ़ाना समझाने का पूरा प्रयास करूंगा।
और इसको सब आप समझते चलिए अच्छे से। और प्रीवियस जो वीडियोस अगर आपने अभी तक क्लास 7 के ना देखे हो, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.1 का मैं सभी क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2C, सम इज जीरो, यानी यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर देखिए हमें ऐसे कह रहे हैं कि पेयर यहां पर राइट करना है आपको, कि टू पेयर से यहां पे नंबर लिख दे, उनको हमको प्लस करके क्या लाना है, जीरो। ये भी बिल्कुल सिमिलर मैंने अभी बताया आपको, कोई भी डिजिट आप नंबर ले सकते हैं, यानी कि आंसर से ही मैच हो तभी आपका आंसर, क्योंकि यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं कह रहे हैं आपसे, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी पेयर डिजिट यहां पे लिखिए और उनको हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं, जीरो। तो देखिए यहां पे जैसे -12 लिख लेते हैं सपोज के लिए, और यहां भी -12 लिख लेते हैं। अगर हम दोनों को सॉल्यूशन करें तो देखिए -12 यहां पे नोट कर लेंगे -12 और +12, तो यहां पे देखिए नोट करेंगे +12 इक्वल टू जीरो। तो देखिए -12 में से 12, यानी एक है -12 और एक है +12, तो 12 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो। एक और देखिए एग्जांपल टाइप में आपको पढ़ा देते हैं, दो टू नंबर्स यहाँ पे लिए गए, उनको आप प्लस करिए तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। जैसे लिख लीजिए आप -8 और ले लीजिए +8, देखिए -8 + 8 इक्वल टू जीरो, तो 8 में 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो। आई होप आपको क्वेश्चन 2C समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट पे जरूर लिख दीजिए, सर नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा फिर से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2D, डिफरेंस इज जीरो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए डिफरेंस इज जीरो, यानी फिर उसी तरह नंबर्स आपको ये बताने कि अगर हम टू नंबर्स का डिफरेंस करते हैं माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो ये भी देखिए सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, इसे हम ऐसे नोट कर सकते हैं, ऐसे -12 ले लेते हैं और यहां भी -12 ले लेते हैं, तो देखिए -12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12 इक्वल टू जीरो, और 12 में 12 माइनस करें क्या आएगा, जीरो। तो आपके जो पेयर होंगे वो होंगे -12 एंड -12। सिमिलर क्वेश्चन इसमें एक से और ले लेते हैं एग्जाम्पल टाइप में आपको पढ़ा देता हूं, जैसे यहाँ पे नंबर ले लीजिए आप -10 और यहां भी देख लीजिए -10 सिमिलर नंबर, तो -10 और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू जीरो, और 10 में 10 माइनस करेंगे क्या होगा, जीरो इक्वल टू जीरो। आई होप आपको क्वेश्चन 2A, B, C, D समझ में आ गए होंगे, प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में लिख दीजिए, सर नहीं समझ में आएगा फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, उसको आंसर भी बता दूंगा। इजली क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ध्यान बस ये रखना है कि वो नंबर्स यहाँ पे राइट करने, कोई भी नंबर आप राइट कर सकते, किसी प्रकार के यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं सर यही नंबर आपको नोट करने हैं, सिर्फ उन्हें हम जब प्लस और माइनस करेंगे सॉल्व करेंगे तो जो आंसर हमसे कह रहे कि -13 आ जाए सम करने पर तो वो आपको मिल जाना चाहिए, क्वेश्चन 2B में कह रहा है कि डिफरेंस आ जाए -12 तो वो सॉल्यूशन करने पर आपको -12 मिल जाना चाहिए, सी में कह रहे हैं कि जीरो आ जाए सम करने पर तो वो आपको मिल जाना चाहिए, एंड क्वेश्चन डी आपको कह रहे हैं डिफरेंस आ जाए जीरो तो वो आपको मिल जाना चाहिए। मतलब सिर्फ आपको प्लस एंड माइनस पे ध्यान रखना है कि हम कैसे करें कि उसका आंसर हमारा मैच हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, इसमें देखिए 2E है, 2B भी देख लीजिए, सम इज 23, यानी क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि सम इज 23 विथ वन नंबर बीइंग नेगेटिव। क्वेश्चन इसमें यहां पे कह रहे हैं कि सम इज 23, यानी आपको नंबर्स में क्या करना है, देखिए बाउंडेशन क्वेश्चन से ध्यान देना होगा, हमें दो नंबर यानी टू नंबर्स यहां पे दिए गए जिनको हमें प्लस करके उसका आंसर 23 आए, क्या आंसर आना चाहिए, 23। क्वेश्चन में एक बाउंडेशन सिर्फ ये कि वन नंबर बीन निगेटिव, यानी इन दोनों में से एक डिजिट यानी एक नंबर आपका निगेटिव होना चाहिए, तो बिल्कुल इजी यहां पे ध्यान रख सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए यहां पर -33 और यहां पर नोट कर सकते हैं +10। यहां पे थोड़ा थिंकिंग से सोचना भी है कि क्या नंबर्स यहां पे नोट करें कि हमें आंसर 23 मिल जाए, ये आपको थोड़ा थिंकिंग से सोचना और समझना पड़ेगा। अब देखिए सोल्यूशन है -33 + 10 = 23। अब देखिए 33 से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -23 = 23। सॉरी यहां पर तुमको -23 करना था, सॉरी रॉन्ग हो गया क्वेश्चन, यहां पर देख लीजिए सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, आप 33 यहां -10 कर लीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे 23 आंसर लेकर आना है हमें। तो देखिए 33 में से हम यहाँ माइनस कर देंगे 10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 23 = 23, क्योंकि इसमें समय एक नंबर का आगे निगेटिव होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर ध्यान रखें कि एक नंबर जो डिजिट देंगे आपको वो निगेटिव होगी, तो एक हम प्लस ले लेंगे और एक नंबर ले लेंगे माइनस का, और इसे हम सोल्यूशन कर लेंगे = 23। देखिए 33 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 23। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में ना आया हो, चलिए क्वेश्चन और मैं इसमें एग्जाम्पल में और पढ़ा देता हूं, उसे भी देख लीजिए, अगेन फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन करें, सम इज 23, यानी टू नंबर्स, यानी दो नंबरों को अगर हम सम करते हैं तो उसका आंसर जो हो वो 23 हो। बस क्वेश्चन आपको यही कह रहा है कि दो नंबर अगर हम आपको प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या होना चाहिए 23। और क्वेश्चन में बाउंडेशन है कि वन नंबर बी निगेटिव, उनमें से कोई एक नंबर क्या हो निगेटिव। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं यहां पर ले लेता हूं माइनस ट्वेंटी ले लेते हैं, और यहां हम ले लेते हैं प्लस 43। अब देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, 43 में से आप 20 माइनस कर लीजिए तो आंसर क्या आ गया 33 और 422 = 23। नंबर का कोई बाउंडेशन है, सिर्फ LHS में आपको सिर्फ वही नंबर्स लेने हैं जिन्हें सॉल्यूशन करने पर जो हमें आंसर लाना है वो मिल जाए। बस इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के भी सभी क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।